अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो यार अभी हम लोग एबटाबाद से जा रहे हैं वाकेंट, रात का वहाँ पे करेंगे हम लोग स्टे। लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया होगा कि हम लोग अम्ब्रेला वाटरफॉल आए थे और वहाँ से वापसी पे हमारा प्लान बना है कि हम लोग जो है ना वो वाकेंट जाएं और वहाँ पे कौन सा डैम है, खानपुर डैम और टेक्सला का जो म्यूजियम है उसको जो है ना वो विजिट करके जाए। आए हुए हैं तो भाई फिर के जाए लाजमी। गाइस सनसेट हो रहा है और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 7:30। बहुत प्यारा सनसेट होता है हो रहा है। दाईं तरफ जो है वो पहाड़ियां चल रही हैं एबटाबाद की। जीटी रोड पे हम लोग गामजन है। वो कौन है? माहिर कुत्ते की आवाज की। तू है? तेरे साथ कौन बैठा हुआ है? भाई हम सीनियर सॉफ्टवेयर। यो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला तो चूत बात है। नहीं नहीं माशाल्लाह लड़का सॉफ्टवेयर डेवलपर हो चुका है जी। किसी ने कोई भी वेबसाइट बनवानी हो या किसी की हैक करवानी हो अब्दुल्ला भाई से हैक नहीं करते भाई, बिला वजह रास्ता करें। कोई 4 से 5 दफा मुझे ऐसी झुकुटी आई है ना, मैंने कहा लै भाई फौरन आँख खुली। ऊपर से ड्राइविंग बहुत मुश्किल हुई पड़ी है इस वक्त। अभी जरा सा रुके हैं कौन लेने के लिए। अभी मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो मुझे कुछ आसरा हुआ है कि मैं होश में आया कि नहीं भाई मैं दुनिया में ही हूँ। उनको नहीं मिली क्योंकि बिजली नहीं है। अभी गाड़ी में बैठते हैं दुआ करें कि खैर खैरियत से पहुँच जाएँ। तो फाइनली हम लोग इस वक्त मौजूद हैं वाक एंड के अंदर। सिचुएशन इधर इस तरह की है कि अभी बज चुके हैं 11:15, तैयार वगैरह हो गए हैं। ये भट्टी साहब रेडी हो? भट्टी साहब फॉयज़ आ गए हैं। ठीक है उस्मान भाई, फौजान भाई इनका नाम बेसिकली फौजान है, फैजान नहीं है। तो लड़के वो भी आ गए, अब निकलते हैं इंशाल्लाह। गाइस ये देखें मौसम बंद तो अच्छा गया लेकिन हमारे लिए ज़रा मसला है कि बारिश वगैरह शुरू हो गई है और अभी आगे जाके हमने जगहें घूमनी है लेकिन बारिश जो है ना वो सही रिमझिम हो रही है। ये है जी मामा जी नाश्ता सेंटर। गाइस नाश्ता आ गया है और फिर बिस्मिल्लाह करके यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह। ओके गाइस तो हम लोग वाक एंड से निकल गए हैं। अब सीधा हमारा इरादा बना है खानपुर डैम का। ये टेक्सला म्यूजियम भी रास्ते में ही आता है। राइट साइड पे हमारे टेक्सला म्यूजियम है और अगर वापसी पर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी जाएंगे। अभी लेकिन हम लोग जा रहे हैं खानपुर डैम। ये चेक करें ये साइड पे ना आपको कब्रें ही कब्रें नजर आई है ना, कब्रें ये मार्बल की जो बनी हुई तैयार करवाते हैं। ऐसा दिल जा रहा है कि बंदा ना अपनी कब्र की वसीयत करके जाए यहाँ से तैयार करवाना। और अब्दुल्ला भाई और फौजान भाई के यहाँ से जो है ना वो मार्बल का काम बड़ा प्यारा होता है यहाँ पे, उसकी कटाई वगैरह और क्वालिटी। ऐसे ही अब्दुल्ला भाई ऐसे ही है। तो अगर किसी ने अपनी कब्र बनवानी हो तो यहाँ बनवा ले। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जी खानपुर डैम। कितने की है भाई टिकट? ये ले मेरे जान। किधर है पार्क? अच्छा मैं 2:50 फड़ा रहे थे, मेहरबानी यार। ओके गाइस तो वेलकम टू द खानपुर डैम, हियर वी गो। जो है कश्तियाँ वगैरह और खानपुर डैम अभी मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ही खुश्क पड़ा है। अब्दुल्ला भी कह रहा था कि यार पहले मैं आया हूँ तो अच्छा खासा यहाँ पे जो है ना वो पानी वगैरह था। अभी यहाँ से आगे एक जगह है भवाला, तो
अबू माला। तो अगर बारिश जो है वो कम होती है तो मेरा दिल है कि वहाँ पे जाया जाए, और वो काफ़ी अच्छा पिकनिक पॉइंट है। अभी यहाँ पे देखते हैं मजीद के क्या करना है। कश्ती का क्या रेट है? कश्ती का एक राउंड सर 800 का है, 1500 का है, एक 3000 का है। फ़र्क क्या तीनों में? राउंड जो है ये 800 का है, ये पहाड़ी के सामने से है। अच्छा, ठीक है। और पहाड़ी के बैक साइड से घूम के आने का 1500 का राउंड है। स्पेल भी जो राउंड है वो 3000 का है। अच्छा, स्पेल भी गेट है सर। और वो जो स्कूटर वगैरह उसका क्या हिसाब है? जेट स्काई का 500 का राउंड है, स्मार्ट राउंड जो है वो 500। वो हम खुद चलाते हैं ना, अकेले अकेले आपको चलाने दे सकते हैं। एक अकेले आप एक बंदा बैठी हाँ। लड़का हमारा साथ में पीछे बैठेगा। अच्छा, अगर दो लोग बैठे हैं फिर राइडर ही चलाएगा। अच्छा, तो उसका क्या हिसाब किताब है? स्मार्ट राउंड जो है 500 का है, पहाड़ी के बैक साइड से घूम के आने का उसका उसका। और वो पैराग्लाइडिंग कहाँ से, किस तरफ से हो रही है? वो तो उससे हम बोर्ड पे लेके जाएंगे आपको। अच्छा, उसका क्या हिसाब किताब है? उसका 3500 रुपये पर राउंड है, एक बंदे का। एक बंदे का, ठीक हो गया। व्लॉगर्स कम्युनिटी, हाय अब्दुल्ला, वो छोटिया मुछा वाले गल सुन, मेरिया तेरिया है छोटिया ने ए ऐ छोटिया ने ए देखो ऐ छोटिया ने आ ठीक है, गुस्सा ना कर। तो अभी जा रहे हैं जरा सा हम लोग कश्ती की तरफ। ये भी सिर्फ मैं आप लोगों की वजह से व्लॉग में एडिट करने के लिए ले रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए फजूल हैं। या तो हो ना प्रॉपर, जिस तरह नॉर्दर्न प्लेसेस में जाके सारा कुछ वो प्रॉपर सीन्स होते हैं। अभी ये यहाँ जो है ना वो मज़ा नहीं आता। ऊपर से पानी के हालात चेक करें, पानी कितना गंदा हुआ पड़ा है। कुछ मुजाफा बैठ रहा जी, चल गंदे सुट्टी ना मैनू। अभी हम लोगों ने किस्म के सीन्स इंजॉय कर ही लिए हैं, ठीक है। इतना भी खास मज़ा कोई नहीं आया, छोटा सा राउंड था, ठीक है। और छोटे से राउंड में हमारा 500 रुपया बिला वजह का लग चुका है, ठीक है। तो हमने सोचा कि यार बोट से बेहतर है कि हम लोग ये जो है ना इसकी राइड इंजॉय कर लें। अभी बस उतरने लगे हैं। मैं आँख लाई थी मेरी खोल गई जी कि आँख के अंदर पानी डालो मेरे। अच्छा यार, यहाँ पे ना मुझे एक चीज पसंद आई है, पीढ़ी, ठीक है, अपने बेटे के लिए। मैंने कहा चलो उसके लिए कुछ ले जाए, खुश हो जाएगा। और आपको दिखाते हैं, बड़ी प्यारी सी है वो, उठा लो उठा लो, छापर में डाल देना झाड़ के। तो ये मैंने उस्मान को भी कहा था, मैंने कहा यार तू भी देख ले अपने बेटे के लिए कोई चीज़। एक ये कुर्सी पसंद आ रही है, ठीक है, और एक ये पीढ़ी जो मैंने पहले ले ली है वो ये इसने पसंद किया। कितने की उस्मान? 300। चल ठीक है, 300 की ये मिली है जी हमें। और यहाँ पे और भी दुकानें, यानी कि दुकान के अंदर बाकी इस किस्म की चीज़ें हैं, लाइक दिस, शीशे की चीज़ें होगी। और ये देखें, यानी कि घर में डेकोर वगैरह के लिए जो भी आपने रखनी हो, तो प्यारी प्यारी चीज़ें। ये देखें, ये बड़े प्यारे लटके हुए जो है ना घर के अंदर, ये बड़े अट्रैक्ट करते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें जो है बंदा यहाँ से बाय कर सकता है। ये देखें कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो है ना बच्चों के लिए वो ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। और इस तरह की भी चीज़ आप ले सकते हैं, अगर आपके पैरों के ऊपर बहुत ज़्यादा मैल जमी भी हो तो आप इस तरह की चीज़ ले के अपने पैरों की भी सफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो भाई जहाँ पे भी जाओ अपनी फैमिली को याद रखो हमेशा। ठीक है, अभी मुझे बेगम के लिए कोई चीज़ नहीं मिली कि मैं ऐसी कोई चीज़ हो, अगर वो भी मिलती तो मैं उसके लिए भी ले के जाता, तो कोशिश ये किया करें। ओके गाइस, तो आप लोगों ने सीन्स तो चेक कर लिए होंगे खानपुर डैम के। अभी हम सबका वापसी का प्लान बन चुका है, अब जा रहे हैं हम लोग वापस टेक्सला, पर होप्स हो के आगे भी कहीं का हमारा दोबारा से प्लान बनेगा कि फौजान भाई को हमने उतारना है टेक्सला में, वाह कैंट में सॉरी, और उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह वापसी का सफ़र इख्तियार करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मुझे ड्राइव करने दें। फिया मानुल्ला, अल्लाह हाफिज़।